पत्रकार का साथियों को नमस्कार। आज के नवलगढ़ के दो ज्वलनशील मुद्दे हैं। एक मुद्दा बदराना जोड़ा है, दूसरा झुंझुनू में कल सीएम आ रहे होगा। पहला मुद्दा यह बदराना जोड़ा, भाई जब से नवलगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक बार बार बदराना जोड़ा का नाम लेके कह रहे मैं जोड़ा में मेला भरवा दूंगा और ऊंट पे चढ़ के जाऊंगा, तो मैं विधायक जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेला भरवाने से लिए आपको कौन रोक रहा है? पहले भी लोग भरवाते थे, शेड टू की जमीन है, शेड टू से पर्ची के पैसे जमा करा के और मेला भरवाते थे। मैं तो विधायक को जब मानूं कि मेला भरवाए, इस जो बदराना जोड़ा है इसका टाइटल चेंज करा के और राज्य सरकार के नाम करवा के फिर मेला भराए, तब तो उसका सोचे कि विधायक जी ने करवाया है। लेकिन मेला तो कोई भी भरवा सकता है, और मेला मेले के लिए आपको थोड़ा चुना है, विधायक जी को इसलिए चुना है कि विकास करेंगे, शिक्षा का, चिकित्सा का, रोडों का, अदर जो सीवरेज का है, नवलगढ़ जितनी समस्याएं हैं किसानों की है, सबका निवारण करने के लिए विधायक जी को चुना है। बार बार आते हैं, एक ही नाव लेते हैं, मैं मेला भरा दूंगा बदराना जोड़ा। मेरे भाई तेरे को मेला भराने के लिए मना किसने किया है? करवा, शेटू से पैसे जमा करा, करवा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात यह है कि जब यहाँ मुख्यमंत्री महोदय 2 मार्च को आए थे, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था इस जो रेल के लिए, और फिर से झुंझुनू आ रहे हैं, तो कल हम उसका मुख्यमंत्री महोदय का विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जब से ज्ञापन देने के बाद में हमारी कोई सुध नहीं ली मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि प्रशासन जो कार्रवाई चला रहा है वो लगातार चला रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ। किसानों के खेतों में अधिकारी जा रहे हैं अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने के लिए, तो वो तो देंगे ज्ञापन। दूसरा जो बदराना जोड़ा ज्वलनशील मुद्दा, बार बार विधायक जी कह रहे मेला भरवा दूंगा, तो मेला भराने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। मैं तो विधायक जी को दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि इसका, अगर आपने जनता ने नवलगढ़ को चुना है और बदराना जोड़े पर चुना है, तो इसका टाइटल चेंज करवाइए। दूसरा ये है कि बदराना जोड़ा की जमीन 232 बीघा जमीन है, अब यहाँ जो मौजूदा स्थिति है 120 बीघा की है, पहले तो पूरी जमीन की नपती करवाए, 232 बीघा की हम मांग करते हैं, जो भी इसके अंदर आए हुए हैं सबके मकान फुड़ाए और पूरी की पूरी जमीन जनता को सपोर्ट करें। धन्यवाद। रेल लाइन के मुद्दे के लिए तो हम मुख्यमंत्री महोदय से कल मिलने जा रहे हैं, पहले भी मिले हैं, मंडल प्रबंधक रेल जयपुर से हम मिल के आए हैं, उन्होंने हमें सब सही और सटीक शब्दों में हमें बताया है, लेकिन विधायक जी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने उनको कह दिया है, अभी तक मेरे हिसाब से नहीं कहा, क्यों कहते तो कार्रवाई रुक जाती, लेकिन कार्रवाई अभी तक चालू है। वो तो विधायक जी किस विभाग के कह रहे हैं वो तो वो जाने, हमें इस बात का कोई पता नहीं। सरपंच जी आप क्या कहेंगे इस विषय? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पहुँचे हो। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ सिर्फ विधायक महोदय जी से कि विधायक महोदय, 2 दिन पहले आपका मैंने सोशल मीडिया पर एक वो सुना था आपका भाषण, उसमें बोल रहे हो आप कि मैं बदराना में ऊँट पे चढ़ के जाऊँगा। बदराना आज भी पड़ा है, ऊँट पे चढ़ भी जाइए या गाड़ी से जाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। वहाँ बदराना दौड़े में पशु मेला भी बनना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि उप जो जिला हॉस्पिटल अपना जो पास हुआ है उसमें 50 बीघा में वो बनने से नवलगढ़ जनता को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। भाई पशु बहुत कम बचे हैं और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इस मुद्दे पे मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि यहाँ पशु मेला भी भरो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी साथ हैं, पशु मेला भराइए। इसके साथ साथ में जिला हॉस्पिटल भी बनना चाहिए जिससे नवलगढ़ जनता का भला हो सके। जो बेचारे पेशेंट आते हैं, जैसे कोई भी गरीब आदमी है, पैसे वाला कोई भी है, उसको जयपुर और सीकर भागना पड़ता है, इससे बचने के लिए अपने यहाँ जिला हॉस्पिटल बन जाए तो यहाँ वो लोगों को भागना नहीं पड़ेगा और अपनी व्यवस्था हो जाएगी, तो इसलिए जनता को बहुत ज़्यादा मतलब सुख और चैन मिल जाएगा। अब रही बात विधायक जी ने कहा कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री के रोजगार की बात करें युवाओं के लिए, तो विधायक जी बोले कि मैं ऐसा झपट्टा मारूंगा बाज की तरह कि तुम जकड़े जाओगे। आपको विधायक जी, जनता ने सुना है
तो आप एक बदरणा 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 यही मत लगाइए, आप नवलगढ़ी जनता के लिए विकास के बारे में सोचिए, युवाओं के बारे में सोचिए। आपने ये बोला था कि सीमेंट फैक्ट्री में एक भी बिहारी नहीं रहेगा और लोकल के लोग काम करेंगे, लोकल के लोग ही वहाँ ना जो नौकरी करेंगे। आज बाहर के लोग हैं, बिहारी भी वही है, और जनता की तरफ ध्यान दीजिए, रोड है, लाइट है, पानी है, मतलब बहुत सी सड़कें हैं, चिकित्सा की व्यवस्था है गांव-गांव में, उस पर फोकस कीजिए। ये एक बदरणा 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 का मेला भराइए, हम भी स्वागत करते हैं, पर उसके साथ साथ में विकास की बातें भी कीजिए, जैसे कि नौली जनता का आपका विजन क्या है, आपका विजन है क्या, एक बदरणा मेला विजन है क्या? विधायक जी, जनता सुन सुन के कानों से बोर हो चुकी है, बदरणा बदरणा का नाम छोड़िए, बदरणा मेला बढ़ा दो आप कल ही, हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ साथ में विकास की बात भी कीजिए जिससे जनता का भला हो सके। हमारे भामू जी हैं जो जाट समाज से, जाट समाज के अध्यक्ष हैं, उसने भी मेरे को फ़ोन किया है कि भाई बेटा आवाज़ उठाना लोकतंत्र में हर सब का अधिकार है, लेकिन जो विधायक महोदय ने जिस भाषा का प्रयोग किया है कि मैं बाज बन के झपट के खा जाऊँगा, ये एकदम गलत है, निंदनीय। हमारे जो जाट समाज महमू जी, उसने भी निंदा की है, उसने कहा है मेरे को कि आप मेरे बारे में बोल देना कि ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि जो रोडें बन रही है मेरे ग्राम पंचायत में, जो रोडें बन रही थी उसको भी हमने उजागर किया कि ये रोडें कैसे बन रही है, देखो इसमें कुछ डाला भी नहीं है। तो उसके अगर ये मुद्दे अगर नहीं उठाएंगे, अगर मुद्दे नहीं उठाएंगे तो फिर बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर बोलता है उसको विधायक जी बोल रहा कि मैं बाज की तरह खा जाऊँगा, तो ये गलत है सरासर। मीडिया भी दिखाएगी, मीडिया भी जिंदी है, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ होता है देश का। तो मैं ये बताना चाहूँ, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ विधायक जी कि आप अपने गुरूर को थोड़ा सा संभल के बोलिए, जिसे आपका गुरूर इतना भी नहीं हो कि नौली जनता है आपको देख रही है कि आपका जो 3 महीने में जो गुरूर आया है वो बहुत गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जयंत जी बताइए, लगातार आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, घर घर जाओ, घर घर भी जा रहे हैं, एक जागरूक को लेकर के रेल निरस्त की जाए, क्या मांगे रहेंगे आगे के लिए आप? हमारी प्रशासन से और सीएम साहब कल आ रहे हैं, उनसे हमारी एक ही मांग है कि इस इलाके में, क्योंकि सीकर और झुंझुनू दोनों जिले उस रेल लाइन से प्रभावित हो रहे हैं, तो हमारी एकमात्र सीएम साहब से और स्थानीय विधायक जी से निवेदन है कि आप इस रेल लाइन को निरस्त करवाएं। यह 1000 से ज़्यादा किसान परिवार बर्बाद हो जाएंगे अगर ये रेल लाइन चली गई। दूसरी चीज़ ये है कि एक भी किसान एक इंच भी ज़मीन नहीं देगा, वो मर सकता है लेकिन ज़मीन नहीं मिलेगी। तो विधायक जी से और सीएम साहब से मेरा आग्रह है कि आप किसानों के हित को देखते हुए उनकी बर्बादी को बचाने के लिए किसी भी तरीके से रेल लाइन को निरस्त करें। एक निजी कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आप किसानों की बर्बादी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। आपसे पुनः निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस रेल लाइन को निरस्त करके आप किसानों को बर्बादी से बचाएं। आप क्या कहेंगे? सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा राम राम। हम यही बोलना चाहते हैं कि भाई विधायक साहब और सीएम को, कि हमने जो ज्ञापन सौंपा था सीएम को जब वो 2 तारीख को नवलगढ़ पधारे थे, तो उन्होंने उस ज्ञापन का हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो पहली बात तो ये है, कल झुंझुनू सीएम साहब पधारे हैं, तो उनसे उनको फिर हम ज्ञापन देंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई जो ज्ञापन दिया था आपने उस पर क्या कार्रवाई की, भाई क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, जो भी है। दूसरी बात, विधायक साहब है तो विधायक साहब जब बोल रहे थे परसों टोंग छिंदरी में कि भाई रेलवे का पूरा प्रशासन है जो इसमें लगा हुआ है, तो लगा हुआ किस चीज़ में? एक तो वो रेल लाइन डालने में लगा हुआ है या फिर रेल लाइन को निरस्त करने में लगा हुआ है, उसके बारे में वो बोल रहे थे। दूसरी बात, वो बोल रहे हैं कि 5-7 लोग हैं जो इस चर्चा को लेके उठ रहे हैं। तो विधायक साहब, हम 5-7 लोग नहीं हैं, हम 1000 किसान हैं जो इस रेल लाइन से प्रभावित हैं, तो आप इस रेल लाइन को निरस्त करवाया जाए। और ये जो किसान हैं ये अपनी ज़मीन बिल्कुल नहीं देना चाहते, ये ज़मीन से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, इसे कोई आप एक फैक्ट्री को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये रेल लाइन डाल रहे हो, किसानों की उसमें बर्बादी हो रही है, भाई उसको निरस्त ही करने की कोशिश करें। हमारी हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि सीएम साहब आ रहे हैं तो कल आप उनसे भी इस बारे में बात करें कि भाई इस रेल लाइन को निरस्त किया जाए। और हम विधायक साहब को भी यही बात बोलना चाहेंगे कि भाई रेल लाइन को आप निरस्त करवाएं। धन्यवाद।